हेलो नमस्ते, मेरा नाम है शीतल कावा और आप देख रहे हैं सनी स्पिक्स चैनल। मॉल की सीरियल में आज क्या आने वाला है, कौन सा नया धमाका होने वाला है आज के एपिसोड में, आपको क्या लगता है कि पूर्वी जो है वो सत्यम का सच सबके सामने बाहर ला पाएगी, क्या कुछ होगा आज के एपिसोड में वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर कर दीजिए। जैसे कि अभी जो है वीरेंद्र काफी ही परेशान है रेनू की डेथ के वजह से, ऐसे में पूर्वी उनको बहुत ही मोरल सपोर्ट देती है और उसके पास ही रहती है। ऐसे में वीरेंद्र ने बहुत कुछ बोलता है कि ये जो घर है, ये जो हवेली है, बहुत ही अनलकी है। इस घर में से एक के बाद एक जो लोग है वो चले ही जा रहे हैं और साथ ही में मेरे साथ भी कोई रह नहीं रहे है, कोई भी रह नहीं रहा है, मुझे बहुत ही दुख हो रहा है। ऐसे में पूर्वी बोलती है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, आप भी बहुत ही अच्छे से सबका ख्याल रखते हो, रेनू का, रेनू जी के साथ आप अच्छे से रहते भी थे, बट ये नेचुरली हो ही चुका है। और साथ में पूर्वी सोचती है कि सत्यम का जो चेहरा है सबके सामने लाना ही पड़ेगा, कि जो भी ड्रामा कर रहा है सत्यम वो सबके सामने लाना ही पड़ेगा। ऐसे में वीरेंद्र भी बोलता है कि मैंने रेनू को वचन दिया था कि मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसको इस घर से इस तरीके से उसको निकलना पड़ेगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। ऐसे में वीरेंद्र भी बोलता है कि मेरा जो बेटा है सन जो है मानस, वो भी चला गया, वो भी मुझसे ऐसे एक ऐसे क्राइम पर्सन मुझे देखता है, तो मुझे बहुत ही दुख होता है कि मेरा खुद का बेटा जो है मानस वो मुझे ऐसी नज़र से देखता है। और अभी जो है ये सारी चीज़ें तो होती रहती है, लाइक ये सारी चीज़ें होती है पूर्वी और वीरेंद्र के साथ, वो दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं सारी चीज़ों के बारे में। उसके बाद जो है सेकेंड सीक्वेंस जो आएगा, सेकेंड सीन जो आपको देखने मिलेगा अंजलि और सत्यम के बीच, जहाँ पर अंजलि को बहुत ही बुरा लगता है सत्यम के लिए कि उसकी वाइफ जो है रेनू की डेथ हो चुकी है, अभी वो सत्यम क्या करेगा। ऐसे में अंजलि जो है सत्यम के रूम में जाती है, रूम के अंदर वो देखती है कि पूरा डार्कनेस है, बहुत ही अंधेरा है, एंड वो लाइन जो लाइट होती है वो स्विच ऑन करती है और वो देखती है कि सत्यम को बहुत ही ब्लड बह रहा है, वो बहुत ही इंजर्ड है। तो ऐसे में सत्यम बोलता है कि आप प्लीज़ लाइट जो है वो स्विच ऑफ कर दीजिए, क्योंकि अभी मेरी ज़िंदगी में सिर्फ डार्कनेस ही भरी हुई है, रेनू भी चली गई है मेरी ज़िंदगी से, अब क्या ही बचा है। तो अंजलि बोलती है कि ऐसा मत बोलो, और वो जो उसकी जितनी भी चोट लगी रहती है, इंजरी हुई रहती है, वो सारे उसमें बैंडेज लगाती है और बोलती है कि तुम कुछ खा लो, तो वो बोलता है कैसे खाओ, मेरे हाथ तो इंजर्ड है, तो वो खिलाती है अंजलि। और फिर सत्यम बोलता है कि अब रहने दो, मैं बाद में खा लूँगा। तो अंजलि ये सारी बातें सुनती और बोलती है यार बेचारा सत्यम, लाइक उसको ऐसी दुविधा से उसको गुजरना पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें वो सुनता है सत्यम, और अंजलि जो है उसके रूम से निकल जाती है। उसके बाद जो है सत्यम लाइट ऑन कर देता है एंड वो जो उन्हें उसने जो नकली इंजर्स किए थे, लाइक सॉरी जो अंजलि ने बैंडेज लगाया था, वो बैंडेज भी हटा देता है। और उसके बाद जो है वो सारी जो वो उसने नकली खून लगाया रहता है, तो वो सारे सब कुछ साफ करता है एंड खाने के लिए बैठ जाता है। जैसे कि लाइक उसको तो ऑफकोर्स कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, वो सारी जो चीज़ें वो सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए ही कर रहा है। ऐसे में जो दूसरा प्लॉट आएगा उसमें जो है नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, पूर्वी और वीरेंद्र लाइक दोनों बात करते रहते हैं सारी चीज़ें के बारे में, ऐसे वो सो जाते हैं। बहुत ही लाइक प्यारा सा वो स्वीट सा सीक्वेंस आपको देखने मिलेगा एपिसोड के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, पूर्वी जल्दी ही उठ जाती है, देखती है किसी को कि कोई हवेली में आया है और चुपचाप से जा रहा है। वो बोलता है कि रुको, तुम ऐसे कैसे कैसे जा सकते हो, कौन हो तुम, सब लोग आ जाते हैं, योगी अंजलि एंड वीरेंद्र आ जाता है वहाँ पर। वीरेंद्र बोलता है कि तुम ऐसे क्यों जा रहे हो, कौन हो, तो वो बोलता है कि मैं कर्णावत जी का बेटा हूँ, कल ही अमेरिका से आया हो, मेरा जो ड्रोन है वो यहाँ पर गिर गया था तो मैं लेने के लिए आया था। वीरेंद्र पूछता है कि तुम इतने साइलेंटली क्यों आ रहे थे, फिर क्यों तुमने ऐसे, फिर वो बोलता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर किसी की डेथ हो चुकी है, इसलिए मैं, आप सब लोग बहुत सैड लग रहे हो, इसलिए मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं ड्रोन चुपचाप से लेके जा रहा था। और वीरेंद्र बोलता है कि लाइक कैमरा होता है ड्रोन के अंदर, तो तुम ऐसे ही किसी के भी घर पे तुम ऐसे शॉट्स वगैरह लेते हो, ये बहुत ही गलत बात है। योगी को वीरेंद्र जो है योगी को बोलता है कि तुरंत पुलिस को कॉल करो।
और ऐसे में पुलिस वगैरह आ जाती है एंड वो जो क्लिप होती है गिराने की, जहाँ पर सत्यम जो रहता है वो वीरेंद्र का भेष धारण करता है और जो रेनू को गिरा देता है टेरेस से, तो वो पूरा क्लिप दिखता है पूरे घर वालों को और सभी शॉक में हो जाते हैं कि फिर वीरेंद्र बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये मैं हूँ ही नहीं। मैं जब ऊपर गया था रेनू को देखने के लिए कि वो कहाँ पर है, तो जो दरवाजा था वो अंदर से लॉक था और मुझे किसी ने सिर पे जोर से चोट मार दी थी और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। पूर्वी पूछती है कि फिर भी तुम कुछ याद करने की कोशिश करो, बोलता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है कि उसके बाद क्या हुआ। वो सत्यम ही था जिसने वीरेंद्र का जो पूरा भेष है वो धारण किया था और रेनू को गिरा दिया था ताकि वीरेंद्र का नाम आए इस सारी चीजों में। पुलिस आ जाती है, पुलिस बोलती है कि अभी तो आपको आना ही पड़ेगा कि सच सबके सामने है। पूर्वी बोलती है कि वीरेंद्र जी किसी का मर्डर कर ही नहीं सकते, ये पूरी तरह से गलत है। और उसी वक्त सत्यम आता है, सत्यम बोलता है कि मैं मंदिर गया था रेणु की सोल के लिए कि उसको शांति मिले, उसकी आत्मा को शांति मिले वहां पर। वो सत्यम देखता है वीरेंद्र का वो क्लिप, जो कि वो भी वो ड्रामा करता है सत्यम। वो बोलता है वीरेंद्र को, मैंने कभी सोचा नहीं था आप अपनी ही सिस्टर के साथ ऐसा करो कि मुझे बहुत ही बुरा लगा। ये सारी चीजें वो बोलता है सत्यम, पूर्वी बोलती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। और ऐसे में जो एपिसोड है खत्म होगा, आगे क्या होगा कि सत्यम का सच जो है पूर्वी बाहर निकाल पाएगी और वीरेंद्र को क्या जेल में जाना पड़ेगा। आपको क्या कहना है इस पूरे एपिसोड के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।